अब हर खबर पर होगी आपकी नजर, सब्सक्राइब करें इंडिया न्यूज। तो चलिए आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस की उड़ी नींद, लखनऊ में एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की मिली धमकी, धमकी भरा यह संदेश। यूपी पुलिस के 112 के हेल्प डेस्क के व्हाट्सएप नंबर 21 मई की रात 12:35 पर आया था। इस मैसेज को भेजने वाले ने सीएम योगी को एक विशेष समुदाय के लिए खतरा बताया गया है। इस मामले में लखनऊ के गोमती नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की कई टीमें संदेश भेजने वाले की तलाश में जुटी हैं। डीजीपी मुख्यालय से सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट किया गया है। लखनऊ के पुलिस कश्मीर सुजीत कुमार पांडे के परीक्षण में जाँच कराई जा रही है। एसटीएफ की एक टीम को मुंबई भी भेजा गया है। एडीजी 112 असीम अरूड़ ने बताया कि जिस नंबर से धमकी भरा संदेश आया वह नंबर महाराष्ट्र का है। नंबर आन था और उसकी लोकेशन मुंबई में पाई गई है, जिसके आधार पर एसटीएफ की एक टीम मुंबई भेजी गई है। अन्य जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई। हालांकि जिस तरह से व्हाट्सएप संदेश के जरिए धमकी दी गई, उससे पुलिस इसे किसी शरारती तत्व की करतूत ही मान रही है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जान को खतरे की आशंका के चलते अलर्ट जारी होते रहे हैं। यूपी के पुलिस के 112 मुख्यालय में गुरुवार देर रात 12:30 एक व्हाट्सएप मैसेज आया था। यह मैसेज डायल 112 के सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप नंबर 7570000100 पर आया था। मैसेज में लिखा है कि सीएम योगी को मैं बम से मारने वाला हूँ। वह एक खास समुदाय का नाम लिखा कि जान का दुश्मन हूँ। इस मैसेज के आने के बाद तत्काल आला अफसरों को इसकी जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी की गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार धमकी मोबाइल नंबर 8828453350 से आई थी। पुलिस ने इस नंबर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया। पुलिस अभी इस मोबाइल नंबर की डिटेल निकाल रही है कि वो किसके नाम से है। मैसेज के मिलने के महज 19 मिनट में एफआईआर दर्ज। अधिकारियों ने बताया कि गुमती नगर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। खास बात यह है कि इस मामले में पुलिस पूरी तत्परता दिखाई। मैसेज 21 मई की रात में 12:32 पर आया। इस मैसेज के मिलने के बाद 19 मिनट के अंदर 12:51 पर गोमती नगर पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करा दी गई। गोमती नगर के निरीक्षक डीके सिंह ने बताया कि 112 मुख्यालय से संदेश मंगाया गया है। संदेश भेजने के लिए उपयोग किए नंबर की जांच शुरू कर दी गई है। जल्दी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। लखनऊ के गोमती नगर थाना में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले अज्ञात के खिलाफ धारा 505(1)(b), 506 और 507 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।